कोलकाता में पुलिस कमिश्नर से पूछताछ। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर से पूछताछ के लिए गए सीबीआई ऑफिसर्स को हिरासत में लेने पर मचे घमासान के बाद इसकी धमक यूपी तक पहुंच गई है, जिसके बाद यूपी के संभल में भी हलचल शुरू हो गई है। इसकी वजह पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार का यहां का निवासी होना है। दरअसल कोलकाता में तैनात पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पश्चिम उत्तर प्रदेश के संभल में स्थित चंदौसी के रहने वाले हैं। उनका परिवार आज भी यहीं रहता है। वहीं सीबीआई द्वारा पुलिस कमिश्नर को हिरासत में लेने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार के कदमों के खिलाफ धरने पर बैठ गई है। इसको लेकर संसद में कोहराम मच गया है। इसकी जानकारी परिवार व शहर के लोगों को टीवी पर आई खबर से लगी, जिसके बाद चंदौसी में खलबली मच गई। परिवार से लेकर उनके अन्य रिश्तेदार और दोस्त फोन करके उनके परिजनों से मामले की जानकारी लेने लगे। चंदौसी के लोगों को उनकी अहमियत और पावर का पता लगा, जिसकी चर्चा शहर के लोगों में शुरू हो गई। कोलकाता में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के पिता आनंद कुमार चंदौसी के एसएम कॉलेज में प्रोफेसर थे। यहीं राजीव कुमार उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। कॉलेज में प्रोफेसर होने पर उनका परिवार चंदौसी में ही बस गया। वहीं यूपीएससी में सिलेक्शन होने के बाद आईपीएस अधिकारी बने राजीव कुमार पश्चिम बंगाल चले।